हेलो एंड आंद्रिकी नमस्कारम। थैंक यू सो मच फॉर द ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स फॉर आर प्रीवियस एपिसोड। उस एपिसोड को आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल आज हम फिर से हाजिर हैं। इस बार हम आए हैं फिल्म का रिव्यू लेकर, और जिस फिल्म का हम रिव्यू करने वाले हैं वो है हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई बेल बॉटम। 19th अगस्त 2021 को इंडिया के सिनेमा हॉल्स और थिएटर्स फिर से खुले। हालांकि अभी बहुत सारे स्टेट्स में नहीं खुले हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां भी थिएटर्स नहीं खुले हैं। जहां जहां ये खुले हैं वहां पर फिल्म रिलीज़ हुई है अक्षय कुमार की बेल बॉटम। सबसे पहली चीज़, बेल बॉटम एक बहुत ही अच्छी मूवी है जिसको थिएटर में ही देखना चाहिए। फिल्म की कहानी रियल इंसिडेंट्स पर है। 1980s में जब टेररिस्ट ने इंडिया में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट्स को हाईजैक करना शुरू कर दिया था, उन्हीं इंसिडेंट्स को ये फिल्म बखूबी तरह से दिखाती है। फ्लाइट्स के हाईजैक होने में पाकिस्तान की क्या भूमिका थी, इस फिल्म में हर चीज़ को बहुत ही तरीके से दिखाया गया है। फिल्म का डायरेक्शन किया है रंजीत एम तिवारी ने। स्टोरी है असीम अरोड़ा और परवेश शेख की। ये एक रियल इंसिडेंट बेस्ड मूवी है, तो रियल इंसिडेंट मूवीज़ में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डायरेक्टर की कि वो हर एक चीज़ को बारीकी से दिखाए। जी हाँ, इसी चीज़ को जस्टिस दिया है रंजीत एम तिवारी ने। ये अक्षय कुमार और रंजीत एम तिवारी का पहला कोलैबोरेशन था। फिल्म में अक्षय कुमार, हुमा कुरैशी, लारा दत्ता लीड रोल्स में हैं, साथ ही वाणी कपूर भी। अक्षय कुमार ने हमेशा की तरह एक माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी है। इस तरह के रोल्स में अक्षय कुमार इज बेस्ट चॉइस। पेट्रियोटिक मूवी एंड अक्षय कुमार इज अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। साथ ही इस फिल्म की एक और खासियत है लारा दत्ता, जिन्होंने इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया। इंदिरा गांधी के रोल में उन्होंने जस्टिस किया। बोलते हुए जो उनके वर्ड सेलेक्शन थे वो बहुत ही स्ट्रांग थे, जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फिल्म 2 घंटे 5 मिनट की है। फिल्म में बहुत सारे अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं। बात करते हैं फिल्म के कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। फिल्म को 3D में भी रिलीज़ किया गया। टेक्निकली देखा जाए तो इतना ज़रूरी नहीं था इस फिल्म को 3D में रिलीज़ करना, क्योंकि इतना कुछ खास था नहीं। लेकिन अब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाने के लिए शायद प्रोडक्शन टीम ने फैसला लिया हो, बट इट वॉज ओके। मूवी के एक्शन सीन्स बहुत कम हैं, लेकिन जो हैं वो अच्छे खासे हैं। फिल्म की खासियत है इसका BGM यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक, जो कि सिचुएशन के हिसाब से इस मूवी में ऐड किया गया है। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है, जैसे जैसे कैरेक्टराइजेशन आगे बढ़ता है, वैसे वैसे इस फिल्म का BGM चेंज होता रहता है। फिल्म में जो म्यूजिक दिया है वो दिया है डेनियल बी जॉर्ज ने। अगर आप जाएंगे ये मूवी को थिएटर में देखने, तो आप पाएंगे कि फिल्म में जैसे जैसे नए इंसिडेंट्स आते हैं और नए नए चैप्टर्स खुलते हैं, उस हिसाब से म्यूजिक चेंज हो रहा है। फिल्म के कुछ गाने ऑलरेडी साउंड ट्रैक्स में अपना कमाल दिखा रहे हैं। 2 घंटे 5 मिनट की ये फिल्म है, एक मस्ट वॉच मूवी है। इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ थिएटर में ही देखें। इसी के साथ हमारे थिएटर्स वापसी ट्रैक पर आ रहे हैं। ये हमारे सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, हमारे मल्टीप्लेक्स ओनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जाइए और जाकर इस मूवी को थिएटर में ज़रूर देखें। थैंक यू।